सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कुली इन दिनों परेशान हैं। हमेशा ट्रेन के आने का इंतजार, भागकर डिब्बों में चढ़कर यात्रियों का सामान उठाना और फिर मेहनत की कमाई को घर पर ले जाने वाले कुली इन दिनों घर पर लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। देश भर में रेल यातायात 22 मार्च से बंद है। ट्रेनों का परिचालन, खासतौर से जो यात्री गाड़ियां हैं उनका परिचालन 22 मार्च का जो पहला जनता कर्फ्यू हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक बंद है। लॉकडाउन में भी ट्रेनों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। ऐसे में समस्या आन पड़ी है उन कुलियों के सामने जिनकी रोजी रोटी ट्रेनों से उतरने वाले जो यात्री होते थे उनका बोझ उठाने से ही पूरी होती थी। आमतौर पर रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले कुली इन दिनों घर पर बैठकर लॉकडाउन के दिन गिन रहे हैं। हमारी टीम भोपाल के विजयनगर पहुंची, जहां करीब 30 कुली अपने परिवार के साथ रहते हैं। चलते ज्यादातर मजदूर तबके की हम बात करें तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट तो है ही, लेकिन दूसरों का बोझ उठा करके अपने अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाली कुलियों की क्या स्थिति है उसकी पड़ताल करने हम भोपाल के चांदबड़ इलाके में पहुंचे हैं। विजयनगर कॉलोनी में इस वक्त हम और हमारी टीम है। यहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जिनका काम जो है वो रेलवे स्टेशनों पर कुली का है। ये विजयनगर का इलाका है, विजयनगर कॉलोनी, जहाँ पे करीब 25 से 30 परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्य रेलवे स्टेशनों पर, भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन या फिर हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं। करीब 11 साल से भोपाल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले प्रभुलाल विजयनगर में दो कमरों के एक छोटे से मकान में अपने चार बच्चों और पत्नी के साथ रहते हैं। प्रभुलाल बताते हैं कि इन दिनों खाने पीने की बहुत समस्या है। पहले 300 से 400 रुपए कमा लेते थे, लेकिन ट्रेन बंद होने से अब कमाई भी बंद हो गई है। पीने की कोई व्यवस्था नहीं, पार्सल ऑफिस जाते कभी 8 दिन में एक दिन जाते तो 100-75 रुपए मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत मिलता है लाके बच्चे बच्चे खिला देते, 4-5 बच्चे गुजारा चलना मुश्किल हो रहा है। कैसे चला रहे हो? कभी पार्सल में बुला लेते दवाई गोली के पैकेज चढ़वाने के लिए रेलवे, तो 100-125 रुपए मिलते हैं तो उनका आटा सामान ले लेते खिला देते बच्चे। इसी मोहल्ले में रहने वाले जगदीश शिवहरे करीब 12 साल पहले ब्यावरा से भोपाल आ गए थे। तब से भोपाल रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर अपना और परिवार का पेट पालते। जगदीश शिवहरे की माने तो लॉकडाउन की वजह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बैंक खाते में कुछ पैसे डाल दिए जाएं जिससे घर खर्च निकल सके। घर का खर्चा क्या चलेगा साहब, एक महीना से परेशान है और कोई रेलवे प्रशासन सुन नहीं रहा है, इधर उधर भटकते रहे। कल अमरमान श्रीमान ने साहब ने जो दिया था गल्ला वो 5 दिन का है। विश्वास सारंग जी ने जो कल वितरित करा है खाद वितरित, उसमें तो ऐसे परेशानियां चल रही है साहब। एक दो बार और भी रेलवे प्रशासन कुछ दे दिया है 2-5 दिनों का, बस बाकी और कुछ नहीं सर। अभी आप लोग रेलवे से कोई मदद मिल पाती कि नहीं? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं मिल रही है। पार्सल वगैरह चालू है मगर सर एक दो दिन में नंबर आता है वो भी 100 रुपये मिलता है। ट्रेनों के बंद होने से कुलियों की कमाई पर पड़ रहे असर को देखते हुए रेलवे ने इन्हें पार्सल की ढुलाई का काम भी दिया है, लेकिन वो भी कभी कभार ही मिल पाता है। वहीं समय समय पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग या स्वयंसेवी संस्थाएं इन्हें राशन उपलब्ध करवा देती हैं। रेलवे या कुछ दूसरे लोग मदद कर देते हैं तो पेट में कुछ जाता है। स्टेशन पर ही 220 कुली हैं और 36 से 40 कुली हबीबगंज पर, इसके अलावा इटारसी स्टेशन पर भी लगभग 100 के करीब हैं। तो उसके लिए हमारी संस्थाओं ने इनको यहाँ के सीनियर डीसीएम साहब से बात करके, कॉमर्शियल विभाग ने भी 15-20 हजार रुपए की सामग्री दी थी और 15-20 हजार रुपए हम लोगों ने मिलके 41 हजार की सामग्री इनको आज से 15 दिन पहले कुलियों को दी थी जिससे इनका भरण पोषण चल सके। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की सीमा और बढ़ी उसके बाद हमें समझ में आ गया था कि इनके पास, क्योंकि जो रेलवे में और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको तो ठेकेदार लोग पेमेंट दे रहे हैं, डीआरएम साहब के आदेश हैं कि जो लोग काम पे नहीं आ रहे हैं तो भी, लेकिन कुली लोगों का डायरेक्ट ठेकेदार से संबंध ना होके जनता से संबंध रहता है। इस कारण हमें मालूम है कि इनके पास स्थिति खराब है। इस कारण अभी हमने जैसे मध्य प्रदेश शासन से कल बात की, उन्होंने भी यही सामग्री देने का काम किया, वो हमारे माध्यम से दी, हम इस बहाने इनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल देश में कम से कम 3 मई तक तो लॉकडाउन लागू ही है। लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा या नहीं इस पर भी अभी संशय बरकरार है। ट्रेनें कब से चलेंगी अभी तक इस पर भी फैसला नहीं हो पाया है।
ऐसे में इन कुलियों को तब तक इंतजार ही करना पड़ेगा। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट।